हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम्स टुडे। और कल हमने ईडियम्स के जो 50 वर्ड्स थे, 50 ईडियम्स थे, वो लर्न किए थे। आई होप आप सबने उसको अच्छे से मेमोराइज़ करने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसको मेमोराइज़ करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं, क्योंकि हमने पिक्चर्स यूज़ की थी उसके लिए, एग्जाम्पल्स यूज़ किए थे। तो आज हम बाकी के ईडियम्स करने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट ईडियम है वो है टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो थोड़ा ट्रबल कर रहा है, तो आपने उसके ऊपर ऑयल पोर कर दिया। इट मीन्स कि आपने किसी दो लोगों के बीच की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करी, उन दोनों के बीच आपस में फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश करी। तो इसका मतलब क्या होगा, टू मेक पीस। आई एम ऑलवेज स्टक पोरिंग ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स व्हेन माई मदर एंड माई वाइफ स्टार्ट देयर बिकरिंग। बिकरिंग मतलब जो उनका नॉर्मल झगड़ा होता है वो स्टार्ट करते हैं, तो जो हस्बैंड है वो दोनों के सुलह कराने की कोशिश करता है कि वो दोनों आपस में फिर से नॉर्मल हो जाए। सो बेसिकली वो करता क्या है, ही पोर्स ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर्स। नेक्स्ट है टू पुट इन अ नटशेल। नटशेल आपको पता है कि बहुत छोटा सा होता है, तो कोई भी चीज़ इसके अंदर रखने के लिए हमें उसे छोटा करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको बहुत बड़ी चीज़ या बड़ा चैप्टर उसको ब्रीफ करना है। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन उसको आपने थोड़े वर्ड्स में बता दिया। लाइक आपने बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी बतानी है लेकिन आपका मूड नहीं है, या फिर आपको कहा जाए कि आप शॉर्ट में समझाओ उसको, तो आप क्या करते हो, तो यू पुट द स्टोरी इन अ नटशेल। ही डिसाइडेड टू पुट द 30 पेज चैप्टर इन अ नटशेल टू हेल्प सेव टाइम फॉर द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग रिविजन। मतलब कि उसने 30 पेजेस का जो चैप्टर था उसको नटशेल में छोटे से छोटा करने की कोशिश की, ताकि बच्चों को रिवाइज करने में वो मुश्किल ना हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ओपन पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स एक मतलब एक माइथोलॉजी से आया है हमारे पास, जिसका मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स एक टाइप की निकल रही हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि पेंडोरा बॉक्स का मतलब है आपने अपने लिए मुश्किलों को खोल दिया है, कि पहले नॉर्मल स्मूथ लाइफ थी लेकिन कुछ ऐसा होता है कि आप खुद के लिए ही ट्रबल का सोर्स ढूंढ लेते हो। फाइंडिंग अ वॉलेट ऑन द रोड ओपन्ड अप अ पेंडोरा बॉक्स फॉर हिम एज ही वॉज अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग। कि उसने जो वॉलेट ढूंढा था उसके लिए पेंडोरा बॉक्स साबित हुआ, क्योंकि उसको चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इट मीन्स कि आपने खुद से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। नेक्स्ट है टू गिव कोल्ड शोल्डर। अब जैसे आपको इंसान ये दिख रहा है आदमी कि ये किस तरह से जा रहा है, इट मीन्स कि ये किसी को इग्नोर कर रहा है। टू गिव कोल्ड शोल्डर का मतलब है कि आप किसी को इग्नोर करते हो जिसको आप पसंद नहीं करते। आई सेंट हर अ मैसेज टू अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर बट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। कि आपने किसी को मैसेज किया अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब आपको इग्नोर कर दिया। देन नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन जैसे आपको ये दो लोग दिख रहे हैं और इनके बीच में एक बोन है। ये बोन इट मीन्स कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का सब्जेक्ट ऑफ इशू है जिसके ऊपर दोनों लड़ रहे हैं। तो एग्जामिनेशन सिस्टम हैज़ अ लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन इन द HRD मिनिस्ट्री। मतलब कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो HRD मिनिस्ट्री के लिए एक झगड़े का या इशू है, सब जिसको सॉल्व कर पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि द लैंड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है बी ऑन क्लाउड नाइन। बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है आप बहुत ज़्यादा खुश हो, एक्सट्रीमली हैप्पी हो, आपने कुछ अचीव कर लिया है, कोई पेपर क्रैक किया है, तो आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो, तो आप क्या होते हो, यू आर ऑन क्लाउड नाइन। आई विल बी ऑन क्लाउड नाइन व्हेन माई फर्स्ट आर्टिकल गेट्स पब्लिश्ड। कि आपका अगर कोई काम हो जाता है, कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है या फिर आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आप क्या हो जाओगे, यू विल बी ऑन क्लाउड नाइन। नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स।
अब आपको ये ताश के पत्तों का घर दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं होता, इसको ज़रा सा फूंक मारोगे तो ये गिर जाएगा। इट मीन्स कि कुछ ऐसा प्लान जो सक्सेसफुल ना हो पाए, या फिर जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो, कोई बहुत वीक प्लान बना लो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हाउस ऑफ कार्ड्स, अ पुअर प्लान। द स्टेट्स न्यू स्कीम वॉज इनिशियली वेलकम्ड, कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी स्टार्टिंग में लोगों ने उसका स्वागत किया, बट लेटर टर्न्ड आउट टू बी अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कि बाद में वो क्या हुई, अच्छा नहीं था, वो एक पुअर प्लान था। नेक्स्ट है हमारे पास अ लिटमस टेस्ट। साइंस में हमको पता होगा कि लिटमस टेस्ट हम किसी चीज़ की जांच करने के लिए यूज़ करते हैं, तो लिटमस टेस्ट का मतलब है कि आपको पता करना है कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी सही है, ठीक है, चाहे वो आपकी लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपके किसी भी गोल के लिए हो। टेकिंग अप द जॉब सर्व्ड एज अ लिटमस टेस्ट फॉर मी टू नो हाउ गुड आई वॉज एट अप्लाइंग माई नॉलेज, कि उसने जॉब इसलिए ली थी ताकि वो अपने स्किल्स का लिटमस टेस्ट ले सके कि उसकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, वो अपनी नॉलेज को किस तरह से अप्लाई कर सकता है, तो वो क्या हो गया, लिटमस टेस्ट। देन सेकंड है ब्रेक द आइस। अब ये दो इंसान आपको दिख रहे हैं, दोनों ही मतलब एक तरह से ठंडे हुए पड़े हैं, इनमें कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है। सपोज सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में हम बहुत ठंडे हो जाते हैं, राइट, बोलने के टाइम भी हमारे मुंह से एक वाइट कलर का स्मोक टाइप निकलता है, धुआं सा निकलता है, तो उसका मतलब है कि हमारे जो लिप्स हैं वो थोड़े जैम हैं, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ब्रेक द आइस, इट मीन्स कि साइलेंस को ख़त्म करना है आपने, दो लोगों के बीच की जो सोशल कन्वर्जेशन है उसको स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर द न्यू प्रोफेसर ट्राई टू ब्रेक द आइस बाय टेलिंग अ जोक, कि जो न्यू प्रोफेसर था उसने जो साइलेंस थी दो लोगों के बीच की, अपने और अपने क्लास के बीच की जो ऑकवर्डनेस थी उसको कम करने के लिए क्या किया, एक जोक सुनाया, तो उसने ब्रेक द आइस किया, साइलेंस को ख़त्म करने की कोशिश की अपने और स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेंस, इट मीन्स कि आप फेंस पे बैठे हो, फेंस मतलब जो दो लैंड्स को स्प्लिट करती है, आप उसके ऊपर बैठे हो, इट मीन्स कि आप न्यूट्रल हो, आप किसी भी साइड पे नहीं जा रहे, ना आप लेफ्ट साइड पे हो ना ही आप राइट साइड पे हो, तो इट मीन्स यू आर न्यूट्रल। सिंस आई वॉज अंड अवेयर ऑफ द डिटेल्स आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, कि आपको डिटेल्स नहीं पता थी इसलिए आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए यू सिट ऑन द फेंस, कि दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि दोनों के बीच की बात क्या है, तो यू अब आप जब आप साइड हो जाते हो, किसी का साइड नहीं लेते हो, तो यू सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है टू बी इन द डोल्ड्रम्स, टू बी इन द डोल्ड्रम्स मीन्स एक्सट्रीमली आप सैड हो, किसी चीज़ को लेके परेशान हो, नर्वस हो, तो यू आर इन द डोल्ड्रम्स, ठीक है, टू बी इन लो स्पिरिट, आपका मूड नहीं अच्छा। सैम वॉज इन द डोल्ड्रम्स आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाय द बॉस, कि बॉस ने उसकी इंसल्ट की इसलिए वो थोड़ा परेशान था, थोड़ा घबराया हुआ था, तो वो ही वॉज इन द डोल्ड्रम्स। नेक्स्ट है हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन आपको पता है कि बहुत ऊंची लगी होती है तो उससे कोई भी आवाज़ आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इफ़ यू हियर समथिंग ऑन ग्रेप वाइन तो अब साउंड आपको लगेगा कि बहुत दूर से आई है, और दूर से साउंड आने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है, टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग, किसी की कही हुई बातें सुनना, लाइक अफवाह फैल गई, ठीक है, तो अफवाह सुनी सुनाई बातों को हम क्या कहते हैं, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। आई हर्ड इट ऑन द ग्रेप वाइन दैट ही हैड स्टिफ्ट एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर हिज पेंशन, कि उसने जो इंसान पेंशन मांगा था उसको स्टिफ कर दिया, मतलब उससे बदतमीजी वगैरह करी, ये सिर्फ एक अफवाह थी, जिस चीज़ का कोई भी परफेक्ट आपको कन्फर्मेशन जब तक नहीं मिल जाती तो यू से यू हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन।
देन नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, कि उतना जितना आप खा सकते हो उससे ज़्यादा ले लेना, या उससे ज़्यादा अपने मुंह से उसको बाइट करने की कोशिश करें। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, इसके हाथ में इतना बड़ा तरबूज है, ये इतना बड़ा तो बाइट ले नहीं सकता, खा नहीं सकता, लेकिन वो उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि एक ऐसा काम को ऑप्ट कर रहा है जिसको ये अकम्प्लिश करना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पूरा खा सकता है वाटरमेलन को? नहीं। तो इसके लिए ये काम थोड़ा इम्पॉसिबल है करना। टू टेक अप अ टास्क विच यू मे नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश, कि ऐसा कोई काम पकड़ लेना जिसको आप पूरा ही नहीं कर पाओगे, तो वो क्या होता है? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। आई बाइट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अप 300 पेज रिसर्च प्रोजेक्ट, कि मैंने 300 पेजेस का प्रोजेक्ट तो ले लिया, लेकिन अब वो उसको लगता है कि उसके लिए उसको पूरा करना मुश्किल है, तो ही उसने क्या किया था? बाइट ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, जितना वो कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा काम उसने ले लिया। नेक्स्ट है द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि दो साइड्स होती हैं जब आप कोई भी गेम खेलते हो। ठीक है, तो बॉल अब आपके कोर्ट में है, इट मीन्स कि आपको उसको पिक करना है और डिसाइड करना है कि आपको कैसे उसको हिट करना है, राइट? तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन लेने की टर्न है वो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू रिप्लाई और नॉट, कि अब आपके पास मौका है डिसीजन लेने का, तो आप सोच लो कि आपको रिप्लाई करना है कि नहीं करना है। सपोज आपके पास दो पेपर्स पड़े हैं अप्लाई करने के लिए, NIACL है और RBI ग्रेड भी है, तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आप कौन सा डिसाइड करते हो? ठीक है, क्योंकि डिसाइड तो आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है, तो क्या होगा? द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, जब आपके पास पूरी पावर है डिसाइड करने की। नेक्स्ट है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, आपने घर में कभी अपने घर में बीन्स या दालों को स्टोर करके रख के देखा होगा, इट मीन्स आप उनको कवर करके रखते हो, हाइड करके रखते हो। ठीक है, चाहे आप उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है, तो जब आप स्पिल द बीन्स करते हो, जब वो गिर जाती है, इट मीन्स वो डिस्क्लोज हो गई, ओपन हो गई, तो स्पिल द बीन्स का मतलब है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। द लिटल वन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज वेकेशन वी हैड प्लान्ड, कि छोटे बच्चों ने सरप्राइज की खबर सबको दे दी, तो उन्होंने क्या किया? दे स्पिल्ड द बीन्स। उसके बाद है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि दूध तो गिर गया, अब उसके ऊपर बैठ के रोने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे लोगों की कंप्लेंट करना जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सपोज कोई टाइम चला गया, टाइम बीत गया, आपके पास टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, लेकिन आपने नहीं किया, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद आप कर लेते हो उस टाइम तैयारी, तो उस टाइम आप क्या करते हो? यू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। सिमिलरली अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज मैड बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ ड्यू टू अ सिली मिस्टेक, कि वो अपने आप से गुस्सा था कि उसने एक छोटी सी गलती कर दी, बट देन ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, बट देन उसको रियलाइज हुआ कि अब जो हो गया उसके ऊपर रोने से फ़ायदा तो है नहीं, तो वापस से तैयारी उसने शुरू कर दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉट बिटवीन द टू स्टूल्स। अब आपके पास ये लड़की दिख रही है कि दो स्टूल्स में फंसी हुई है, इसको डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको यहाँ पे बैठना है कि उसको यहाँ पे बैठना है। सिमिलर मतलब वो कंफ्यूज है, उसको डिसीजन लेना समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या डिसाइड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? टू बी कंफ्यूज्ड। मेघा वाज कोट बिटवीन टू स्टूल्स व्हेन इट केम टू डिसाइडिंग वेदर शी वांटेड टू स्टडी फर्दर और स्टार्ट वर्किंग, कि उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो स्टडी कर ले या वो जॉब कर ले, तो वो शी इज कॉट बिटवीन द टू स्टूल्स, वो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या चूज करे। ओके,
देन है ब्लड रैन कोल्ड. ब्लड रैन, अब इसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आएगा कि इसके जो खून है वो जम गया है. खून जमना, और खून कब जमता है? जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है. टू बी रियली फ्राइटेंड, बहुत डर गए हो आप तो आपका खून जो है वो जम जाता है. महेश ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड दैट हिज फादर वाज मर्डर्ड. कि जब उसको पता चला कि उसके फादर को किसने मार दिया है, तो उसको हिज ब्लड रैन कोल्ड, उस वो बहुत डर गया. ठीक है. देन डांस ऑन समवंस ग्रेव. अब ये किसी की ग्रेव है और ये डांस कर रहा है. इट मीन्स कि उसको उसके मरने की खुशी है. ठीक है. टू बी हैप्पी एट समवंस डेथ इवन दो ही डिंट से इट अलाउड. कि उसने चाहे उसको ज़्यादा जोर से बोल के नहीं बताया. ही न्यू व्हेन हिज एनमी वुड डाई ही वुड बी डांसिंग ऑन हिज ग्रेव. कि उसको पता है कि जब भी उसके दुश्मन की डेथ होगी वो उसकी डेथ से खुश होगा. ही वुड बी डांसिंग ऑन हिज ग्रेव. देन नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है कि जो आपका दोस्त सिर्फ एक अच्छे मौसम में आपका साथ दे. लाइक जब आपके ऊपर अच्छा टाइम है तो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही आपका टाइम खराब होता है या आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो दोस्त कहीं भी दिखाई नहीं देता. तो वो क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड. Someone who gives you company only during the good times. कि अच्छे टाइम में तो आपका साथ दे लेकिन बुरे टाइम में नहीं. You may want to confide in Ram. कि आपको confide in का मतलब है भरोसा रखना. कि चाहे तुम्हें राम पे भरोसा है, he is a fair weather friend only. कि आप वो एक सिर्फ अच्छे टाइम का साथी है, वो बुरे टाइम में आपका साथी नहीं होगा. You may not want to confide in Ram. ठीक है. कि आपको राम पे भरोसा नहीं करना चाहिए. देन थिंक ऑन योर फीट. थिंक ऑन योर फीट का मतलब है कि आपका जो माइंड है वो ऑलरेडी बिजी है, तो आपको ऊपर से कुछ नया डिसीजन लेना है, कुछ क्विक डिसीजन लेना है. ठीक है. तो आप क्या करोगे? यू विल थिंक ऑन योर फीट. ऐसा डिसीजन लेना जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो. Making fast changes and adjusting to them promptly. कि फटाफट से changes करना और situation के according उसको ठीक कर लेना. A good salesman must be able to think on his feet to close the deal. कि एक अच्छे salesman को अपने he should think on his feet ताकि वो deals को cover कर सके, deals ले सके लोगों से. नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ अ जैम. जब आप जैम में फंस जाते हो, ट्रैफिक जैम लगा है, तो आप क्या करते हो? आप परेशान हो जाते हो, लेकिन जैसे आप वहाँ से बाहर निकलते हो यू फील रिलैक्स्ड कि चलो मुसीबत से छुटकारा मिल गया. तो इसका मतलब ये है टू गेट आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. पासिंग द एग्ज़ाम वॉज लाइक गेटिंग आउट ऑफ द जैम. कि एग्ज़ाम पास करना भी उसके लिए एग्ज़ाम ट्रैफिक जैम से बाहर निकलने के बराबर था. देन हमारे पास है डिप योर टो इन द वाटर. इट मीन्स कि जब आप पानी को देखते हो, चाहे आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हो, अगर पानी गर्म हो रहा है तो आप क्या करते हो? पूरा हाथ तो गर्म पानी में नहीं डालते ना, आप एक फिंगर से उसको टच करते हो. ठीक है. इट मीन्स कि आप उसको टेस्ट कर रहे हो, आप केयरफुल हो. अगर आप स्विमिंग के लिए गए तो आप पानी का कितना ठंडा है उसको पैर लगा के चेक करते हो कि आप यू डिप योर टो इन द वाटर, ताकि आप टेस्ट कर सको कि वो पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सही है कि नहीं. इट मीन्स आप केयरफुल हो उस चीज़ को लेके, राइट? तो इट टू बी केयरफुल हो ऑफ डूइंग समथिंग न्यू. कि जब भी आप कुछ न्यू करने जा रहे हो तो यू डिप योर टो इन द वाटर. आपको केयरफुल रहना है. मधु स्टार्टेड डूइंग सम वॉलंटियर वर्क एट द नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल टू डिप हर टो इन द वाटर ऑफ वर्किंग इन द एजुकेशन फील्ड. कि उसने एक पास के गवर्नमेंट स्कूल में काम करना शुरू क्यों किया? ताकि वो पता कर सके कि एजुकेशन फील्ड में काम करना कैसा होता है. इट मीन्स वो अपने आप को अवेयर कर रही है उस चीज़ से, केयरफुल हो रही है कि वो इस चीज़ में काम कर सकती है कि नहीं. देन नेक्स्ट है कट द कॉर्नर्स. कट द कॉर्नर्स, आपके पास बहुत कम कपड़ा है और आपको बहुत किफ़ायत से उसको यूज़ करना है. ठीक है. तो आप उसको पहले साइड से कट करते हो.
इट मीन्स आप उसको सेव करने की, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो. सिमिलरली जब आप पैसों को सेव करने की कोशिश करते हो, तो व्हाट डू यू डू, यू कट द कॉर्नर्स. वंस देयर फैमिली इनकम बिकेम नील, दे हैड टू सेल देयर हाउस टू कट द कॉर्नर्स. कि एक बार उनके फैमिली की इनकम बिल्कुल जीरो हो गई, तो उनको अपने घर बेचना पड़ा मनी को सेव करने के लिए. देन नेक्स्ट है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स. कि बहुत गर्मी है और गरम गरम ईंटें हैं और एक बिल्ली उसके ऊपर चल रही है, तो वो क्या होती है, थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि गर्म होता है. आप भी अगर गर्मी में नंगे पैर बाहर जाओगे तो आप क्या जाते हो, अपने पैरों को बचा के रखते हो आप, ठीक है, आप नर्वस हो जाते हो, एक्सट्रीमली नर्वस, ठीक है. तो इसका मतलब है कि अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम नर्वसनेस और वरी. ही फेल्ट लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक वेन ही आस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन बोर्ड. कि उसको बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने को बुलाया गया था और वो उसी में उसको फील हुआ कि ही वॉज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट ब्रिक, कि वो एक्सट्रीमली नर्वस हो गया. मे बी उसको स्टेज फ्राइट होगा, मे बी उसको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, कुछ भी रीजन हो जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज हो गया, वो नर्वस हो गया. देन नेक्स्ट है कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स. आप अपनी नब्स कब चेक करते हो, ताकि आप जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर साहब आपकी नब्स को काफ़ी 2-3 बार चेक करते हैं. इट मीन्स वो आपको रिसेंट जो आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, राइट. तो इसका मतलब क्या है, बींग कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स. लाइक अभी आप लोग क्या करते हो, आपका कोई एग्जाम आने वाला है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो यू कीप योर फिंगर ऑन द पल्स. करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इट मीन्स आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ साथ, रिसेंट न्यूज़ के साथ. सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली अवेयर करना. एन एंटरप्रेन्योर मस्ट कीप हिज फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द मार्केट टू बी सक्सेसफुल. कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको मार्केट की पल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है. देन सेल थ्रू समथिंग. सेल थ्रू समथिंग का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को पार कर लिया. बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग समथिंग विदाउट डिफिकल्टी. कि आपको सपोज आप समुंदर में कोई बोट, मतलब नाव है, शिप है, और समुंदर में कोई तूफान नहीं आया, तो वो क्या करती है, वो सेल थ्रू करती है शिप इजिली, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी. द प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी. कि कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन ज़रूरी थी एंड वी सेल्ड थ्रू इट, और हमने उसको इजिली कर लिया. नेक्स्ट है नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर फीट. इट मीन्स कि जब घास आपके पैरों के नीचे, आपको उगने नहीं देना चाहिए. अगर वो ज़्यादा देर तक उगती रहेगी तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी, राइट. तो सेम चीज़ है कि किसी भी चीज़ को करने में आपको देरी नहीं करनी चाहिए. एज सून एज ही फिनिश्ड ऑल द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज ही पुट हाउस ऑन सेल. ही डजंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट. वो नहीं चाहता था कि उसके घर को बिकने में देर हो जाए, इसलिए उसने फटाफट से फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर को बेच दिया. इट मीन्स ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू बी डिलेड. तो उसने ही डिड नॉट लेट ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट. जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है गोल्डन हैंडशेक. गोल्डन हैंडशेक उस मनी को बोलते हैं जब कोई पर्सन रिटायर होता है या फिर जॉब को छोड़ के जाता है, ठीक है. बेसिकली ये रिटायर होने के लिए है या कंपनी छोड़ने के टाइम दी जाता है. द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस PSUs वॉन्टेड टू कट डाउन द मैन पावर. कि उनको मैन पावर को कट डाउन करना चाहिए था, इसलिए दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंड शेक. उन्होंने क्या किया, उनको बहुत ज़्यादा मनी दे दी, ऑफर करी टू मैनी ऑफ देयर एज्ड एम्प्लॉयज़. क्योंकि उन्होंने जो बूढ़े एम्प्लॉयज़ थे उनके, उनको एक अच्छा अमाउंट मनी का दिया. दे गेव दैम अ गोल्डन हैंड शेक. क्लियर. गोल्डन हैंडशेक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी.
नेक्स्ट है हमारे पास थ्रो डस्ट इन आईज. ये तो हिंदी में भी सबको पता होगा कि आंखों में धूल झोंकना, इट मीन्स आपको कोई मूर्ख बना रहा है. ठीक है, द टैक्सी ड्राइवर इन द शिमला थ्रोज द डस्ट इन टूरिस्ट आईज टू मेक टू मच मनी फॉर स्मॉल डिस्टेंस. कि जो टूरिस्ट को मूर्ख बना के उनकी आंखों में डस्ट थ्रो करके शिमला के जो कैब ड्राइवर्स हैं वो पैसे लेते हैं बहुत ज़्यादा. उसके बाद है टू क्राई फॉर मून. अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बोले कि मुझे चांद ला के दो, इज इट पॉसिबल? नहीं. ठीक है, तो इट मीन्स वो एक ऐसी चीज़ मांग रहा है जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती. ठीक, द फार्मर सन वॉन्ट्स टू मैरी किंग्स डॉटर, ही इज सर्टेनली क्राइंग फॉर मून. कि उसको राजा की बेटी से शादी करनी है, गरीब फार्मर के बेटे को, तो वो क्या कर रहा है, इम्पॉसिबल चीज की डिमांड कर रहा है. देन नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक. कि जब अखरोट तोड़े जाते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है. सिमिलरली जो हार्ड नट टू क्रैक है, इसका मतलब है कि एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल है. अ कंपनी हुज प्रोडक्ट हैज सोल्ड वेल इन द स्टेट्स. कि एक स्टेट में तो उसके प्रोडक्ट्स अच्छे बिक गए, मे फाइंड द यूरोपियन मार्केट अ टफर नट टू क्रैक. कि उसके लिए यूरोपियन मार्केट में अपनी चीज़ों को बेचना एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है. देन नेक्स्ट है च्यू द कड. आपने गाय को कभी घास खाते हुए देखा है, वो कडलिंग करती है. इट मीन्स कि बहुत बहुत शांति से, बहुत आराम से घास को खाती है, जैसे लगता है कि वो कुछ सोच रही है. ठीक है, तो द च्यू द कड का मतलब है थिंक डीपली. आप बहुत गहरी सोच विचार करने के बाद कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो यू च्यू द कड. She wanted to chew the cud before she could let them know about her decision. कि उसको उसने अच्छे से deeply think किया ताकि वो सबको अपना decision बता सके, लेकिन decision लेने से पहले she chew the cud. उसने बहुत सोच विचार किया. Then जो next है वो bridge the gulf. Gulf means खाड़ी. खाड़ी के ऊपर हमने bridge बना दिया, तो हमने क्या किया, जो उनके बीच का जो गैप था उसको ख़त्म कर दिया. तो ब्रिज द गल्फ का मतलब है रिमूव द डिफरेंसेस. द टू ब्रदर्स हैव ब्रिज द गल्फ बाय फॉरगिविंग ईच अदर. कि दो भाइयों ने एक दूसरे को माफ़ करके अपने बीच के जो डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म कर लिया. उसके बाद है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. कि आसमान से एक तेज बिजली आई, लेकिन बिजली तो अचानक आती है. ठीक है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है एक सडन इवेंट जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो होता है. हिज फेलियर इन द एंट्रेंस एग्जाम वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. कि उसका फेल होना उसके लिए क्या था, एक सडन इवेंट था, एक शॉकिंग इवेंट था. मे बी उसने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशंस करी होंगी. ठीक है, और वो पास नहीं हुआ, तो इसके लिए वो उसके लिए एक शॉकिंग चीज़ थी. नेक्स्ट है बीट द एयर. अगर आपको बोला जाए कि हवा को मारो तो आप कर सकते हो, नहीं ना? तो इट मीन्स बीट द एयर का मतलब है मेक यूजलेस अटेम्प्ट्स. जो करना मतलब आपके लिए जिस चीज़ को करने कोई फ़ायदा ही नहीं है. द गवर्नमेंट इज़ बीटिंग द एयर टू रिमूव करप्शन. कि करप्शन को रिमूव करने के लिए बस गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूजलेस अटेम्प्ट्स कर रही है, कुछ पक्का वाला स्टेप नहीं ले रही है. उसके बाद है मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स. हिंदी में इसको बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना. कि एक छोटी सी चीज़ है उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे दे के बड़ा कर देना. ठीक, गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू स्मॉल प्रॉब्लम्स. कि छोटी सी प्रॉब्लम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के उसको बड़ा दिखाने की कोशिश करते हो आप. ही हैज़ डिवेल्प्ड अ बैड हैबिट ऑफ मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स. कि उसको एक बुरी आदत पड़ गई है, वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके बताता है या फिर अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता है. उसके बाद नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश.
इट मीन्स कि एक ऐसा इंसान जो छोटी सेविंग्स के लिए बड़े नुकसान को कर ले, जैसे आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ से ज़्यादा ऑयल लीक हो रहा है और यहाँ से कम हो रहा है, लेकिन ये जो इंसान है वो छोटे वाले होल को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ही इज़ पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। स्मॉल सेविंग स्मॉल सम्स एट द रिस्क ऑफ लार्ज वंस, कि आप छोटी सेविंग्स के लिए बड़े खतरे लेते हो। ही सीम टू बी अ पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश व्हेन ही वाज सेविंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द बर्निंग शॉप, कि शॉप जल रही है लेकिन उसमें से छोटी छोटी चीज़ें जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको लेके आ रहा है, उसने कुछ बड़ी चीज़ को सेव करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद है टू रूल विद अ रॉड ऑफ आयरन। इसका मतलब है कि ऐसा किंग या क्वीन या राजा महाराजा जो लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली रूल करता है, ठीक है, जैसे मुगल एम्परर्स थे वो लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट रखते, लोगों से स्ट्रिक्टली बिहेव करते थे। तो द मुगल यूज टू रूल द पीपल विद अ रॉड ऑफ आयरन, कि वो लोगों को हार्शली ट्रीट करते थे, गवर्न करते थे। देन नेक्स्ट है मेक होल इन स्टिल वाटर, कि पानी तो शांत है लेकिन आपने बीच में उसके ज़रूर एक होल करना है। वो आप क्या करते हो, ट्रबल को इनवाइट करते हो, ठीक है, अपने लिए मुसीबतें खुद पैदा कर रहे हो आप। ही मेड अ होल इन स्टिल वाटर बाय इंटरफेयरिंग इन द फैमिली डिस्प्यूट, कि उसने अपने घर के झगड़े में हाथ या फिर इंटरफेयर करके क्या किया, एक अपने लिए ही खुद के लिए ट्रबल्स पैदा कर लिए। ये हम कल कर चुके हैं, लास्ट रो वाला ये भी कर चुके हैं। देन ये है टूथ एंड नेल। इट मीन्स कि आप अपने सारे रिसोर्सेज, आपको दिख रहे हैं कि इंसान अपने सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसने सारे एफर्ट्स लगा दिए, तो उसका मतलब है ही इज़ ट्राइंग टू थैन नेल विद ऑल हिज रिसोर्सेज एंड पावर। द टीम प्लेड टू थैन नेल बट लॉस द मैच, कि उसने पूरा जोर लगाया लेकिन फिर भी मैच को हार गए। देन जो नेक्स्ट है वो है टू शो वंस टीथ। अब जब ये बाघ है, अगर तो ये मुंह बंद करके बैठा हुआ है, तो हमें पता है कि ये डरावना है लेकिन हमें डरा नहीं रहा, लेकिन जैसे ही इसने दांत दिखाए तो हमें डर लग गया। सिमिलरली जब आपको कोई पर्सन अपने शो वंस टीथ, कि अपने कोई दांत दिखाता है, इसका मतलब है कि आपको धमकी दी जा रही है, आपको डराया जा रहा है। द क्रिमिनल शोड देयर टीथ टू द शॉपकीपर एंड लूटेड ऑल द मनी, कि उन्होंने अपने धमकियां दे के शॉपकीपर को सारे पैसों को लूट लिया। उसके बाद है एन इचिंग पाम। हैव एन इची पाम का मतलब है कि आप पैसों के लिए भूखे हो, ग्रीडी इंसान के लिए ये इडियम यूज होता है। शी हैज़ एन इचिंग पाम फॉर मनी, ठीक है, कि उसके लिए पैसों की ग्रीड बहुत ज़्यादा है। टू लेवल इन द डस्ट, टू लेवल इन द डस्ट का मतलब है कोई बनी बनाई चीज़ को आपने डस्ट में मिला दिया, इट मीन्स आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रुइन कर दिया। हिज फैमिली वॉज लेवल इन द डस्ट बाय द टेररिस्ट, कि उसकी फैमिली को टेररिस्ट ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास फोम द माउथ। फोम द माउथ, जब आपके माउथ में फोम होते हैं तो आपका मुंह सूज जाता है, बड़ा सा हो जाता है। इसका मतलब है कि आप एक्सट्रीमली एंग्री हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। द डायरेक्टर फोम द माउथ व्हेन ही सॉ अ बॉय असोल्टिंग अ गर्ल, कि जो डायरेक्टर था उसको बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है कि अगर आप रात को पढ़ाई करते हो या फिर रात को काम करते हो तो यू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अ सिंसियर स्टूडेंट बर्न्स द मिडनाइट ऑयल, और मतलब मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे बर्न द मिडनाइट है, वो यू ऑल आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल टू क्रैक द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट।
कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने ही गुणगान गाता है, वो बाजा भी बजा रहा है और अपने लिए ही बजा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, टू बोस्ट, वो सिर्फ अपने ही भाषा में अपनी ही शेकी बगा रहा है, उसको अपनी तारीफ करनी है। टू द ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मीन्स टू बोस्ट, माई फ्रेंड ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट बट आई नो हिज रियलिटी, कि मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड जो है बोस्टफुल है बट मुझे उसकी रियलिटी पता है। नेक्स्ट है ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, आपके पास ब्रेड है और उसके दोनों साइड में मक्खन लगा हुआ है, इट मीन्स कि जो आपकी सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों के पास अगर ब्रेड होता है नॉर्मली वो एक साइड पे मक्खन लगा के खाएंगे, दोनों साइड पे मक्खन वो लगाएंगे जिनके पास एक्सेस बटर है, इट मीन्स उनके जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो अच्छे हैं, तो ही इन्जॉयज ब्रेड बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, की मतलब वो एक फॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में रहने वाला एक इंसान है। और आज के लिए हमारे जो एडियम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने, मेरे ख्याल से लगता है कि आपने अच्छे से एडियम्स को समझा है, और अगर नहीं भी समझा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप कीजिए, लाइक एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियोज़ को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और जीके डाइजेस्ट को डाउनलोड करना नहीं भूलना है, हम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट को अपलोड करते हैं डेली, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं आपको सबको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।